प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पूर्व से भी जानते हैं कि सांस्कृतिक निदेशालय झारखंड सरकार के द्वारा हम लोग आप लोगों के बीच आते रहे हैं, विभिन्न स्तर पर पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहे। इस बार जो है कोविड की वजह से हम लोग आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने ऑनलाइन एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करने का निश्चय किया है। यह कार्यक्रम जो है सांस्कृतिक निदेशालय, राज्य संग्रहालय और कलाकृति आर्ट फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 11 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक प्रारंभ होगी। इसमें दो चरणों में प्रतियोगिता होगी। पहले चरण में जितने छात्र हैं, जितने प्रतियोगी रहेंगे, वो जो है सो अपने घर में बैठकर ही ऑनलाइन पेंटिंग बनाएंगे और इसमें जो है शामिल होने वाले छात्र जो होंगे वो 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक और इंटर स्तर के भी विद्यार्थी होंगे। जो पहले जो चरण होगा उसमें जो लोग भाग लेंगे उसमें से 50 प्रतियोगियों को का चयन दूसरे राउंड के लिए किया जाएगा और उसमें जो विजेता होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा, साथ ही सभी भाग लेने वालों को इसमें पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य हमारा है कि झारखंड के पुरातात्विक धरोहरों, कला संस्कृति और इतिहास से बच्चों को रूबरू कराना है, उनका परिचय कराना है। तो अनुरोध है कि आप लोग बड़ी संख्या में इसमें शामिल होइए और हम सभी लोग आपके साथ हैं। मेरी शुभकामना है कि आप सब लोग इसमें अच्छा करें और झारखंड के इतिहास, कला संस्कृति और पुरातत्व से अपने जीवन को, अपने जीवन की बगिया को महकाएं। धन्यवाद। आज झारखंड, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन, क्यूरेटर, संग्रहालय अध्यक्ष, संग्रहालय रांची। सभी स्कूली बच्चों जो 8वीं से 12वीं क्लास के बच्चे हैं, उनको उनसे आग्रह है वो घर बैठे कि वो ऑनलाइन पेंटिंग्स करके अपनी प्रतिभा का उजागर करें, जिससे अपनी प्रतिभा के माध्यम से वो पुरस्कृत हो सकते हैं।